हेलो दोस्तों, योर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा शो। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि अगर आप SOL के थ्रू MBA का कोर्स करना चाहते हैं तो इसके लिए दोस्तों क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाली है, कितनी फीस रहेगी और ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको इस वीडियो के थ्रू मिलने वाली है। दोस्तों जो ये प्रोस्पेक्टस है ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के SOL के ऑफिशियल साइट पर आपको मिल जाएगा और ये जो कोर्स का PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं MBA प्रोस्पेक्टस 2022-23 का ये प्रोस्पेक्टस है, जहाँ पर दोस्तों आपको MBA कोर्स के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब यहाँ पे दोस्तों कंटेंट में दे रखा है कि आपको बताया गया है कि MBA कोर्स होता क्या है, कहाँ कहाँ पर जो MBA कोर्स कराए जाते हैं उसके बारे में प्रिम्बल में दोस्तों यहाँ पर छोटी सी ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दी गई है आपके MBA कोर्स के बारे में। आप चाहे तो दोस्तों इनको पढ़ लीजिएगा, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है। आपके MBA कोर्स के बारे में बताया गया है, डिपार्टमेंट जो SOL है उनके बारे में बताया गया है, वाइस चांसलर दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो हैं योगेश सिंह उनके बारे में बताया गया, डायरेक्टर जो मैसेज है पायल मार्गम मैम है इनके बारे में यहाँ पर आपको बताया गया है। और नीचे यहाँ पर आपको OSD COL के मैसेज, जहाँ पर आप देख सकते हैं SOL के प्रिंसिपल हैं उनके बारे में भी यहाँ पर आपको बताया गया, उनकी तरफ से जो भी मैसेज दिया गया यहाँ पर सारी चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पर दोस्तों आपको प्रोफेसर के नेम, फैकल्टीज़ के नेम, उनकी ईमेल आईडी दी गई है। यहाँ पर आपको अबाउट द प्रोग्राम जो MBA कोर्स है उनके बारे में यहाँ पे दिया गया है कि MBA कोर्स कितने साल का रहने वाला है, किस तरह से आपका सिलेक्शन होगा, क्या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रहने वाली है। नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि की डेट्स ऑफ एंड रजिस्ट्रेशन MBA। जैसे दोस्तों अगर आप MBA कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो इसका बताया गया है, इसकी जो SOL के ऑफिशियल साइट पर इसका जो प्रोस्पेक्टस है ये 5 तारीख को रिलीज कर दिया जाएगा। स्टार्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन कब से आपके स्टार्ट होंगे MBA कोर्स में, 7 अक्टूबर से। लास्ट डेट क्या रहेगी दोस्तों, 25 अक्टूबर रहेगी। और MBA कोर्स में दोस्तों सीट्स हैं काफ़ी लिमिटेड सीट्स हैं, तो यहाँ पर हर कोई एडमिशन नहीं ले सकता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपका जो एडमिशन होगा ये मेरिट लिस्ट के थ्रू वो एडमिशन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगी आपको 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में ये फीस एडमिशन का दे रखा है। डिस्प्ले आपका जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट होगा ये आपको 27 अक्टूबर को आएगा, सेकंड आएगी 1 नवंबर को और थर्ड आएगी आपकी 7 नवंबर को। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर आप अपना, अब यहाँ पे दोस्तों मान लेते हैं कि आपने जोश में इसको देखा कि MBA का कोर्स SOL में भी कराया जा रहा है और आपने जोश में इसके लिए भर दिया था। अब यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ रियलाइज़ होता है बाद में कि मुझे इसमें एडमिशन नहीं लेना है, तो यहाँ पर दोस्तों यही बताया गया है कि जो आपका यहाँ पर MOP अप राउंड है, अगर उससे पहले अगर आप एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो यहाँ पर 9 चार्ज जस्ट डिडक्ट किया जाएंगे, अगर उसके बाद कराते हैं तो यहाँ पे आपका 5,000 शायद एक्स्ट्रा चार्ज किया जाएगा, ऊपर देख लीजिएगा। अब इसी तरह दोस्तों यहाँ पे आपका मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या रहेगा, इंग्लिश में दोस्तों ये प्रोग्राम रहेगा, 2 साल का मिनिमम जो कोर्स रहेगा, 2 साल का मैक्सिमम, इसे आप 4 साल तक कंप्लीट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि प्रोग्राम के अंदर जो सेलेंट फीचर्स हैं, कौन कौन से स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे, लर्निंग अलोंग विद जॉब्स रहेगी, अफोर्डेबल फीस रहेगी, फ्लेक्सिबल लर्निंग रहेगी। अब यहाँ पे जो मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन प्रोग्राम है ये आपका 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, जैसा कि आपको पता है टोटल 4 सेमेस्टर होंगे 2 ईयर में, तो जिसे हम फर्स्ट और थर्ड ये ऑड हो गया और सेकेंड और फोर्थ आपका इवन सेमेस्टर हो गया। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे उसकी डिटेल दी गई है, जैसे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर हो गया, डाटा एनालाइज एंड डिसीजन टूल्स हो गए। इसी तरह सेमेस्टर सेकंड में आपको यहाँ पे बताया गया है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने, कॉरपोरेशन फाइनेंस हो गया, मैनेजमेंट अकाउंटिंग हो गया, मार्केटिंग रिसर्च हो गया, ये आपके सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं ये आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर में पढ़ने को मिलेंगे। ये जो ऊपर सब्जेक्ट बताए गए थे दोस्तों आपके एकदम करेक्ट हैं, इसमें कह सकते हैं कि डिसिप्लिन सब्जेक्ट है जिनमें आपको कोई भी सब्जेक्ट चूज नहीं करना है, जो सब्जेक्ट ऊपर बताए गए वही आपको पढ़ना है। नीचे यहाँ पे आपको इलेक्टिव कोर्स दिए गए हैं, जैसे Area 1 है, Area 1 में दोस्तों क्या है आपका इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक पॉलिसी है। इस Area 1 में दोस्तों आपको 2 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करने को मिलेंगे,
करेंगे जिनमें दोस्तों आपका इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा, इकोनॉमिक ऑफ इनोवेशन हो गया, या फिर एरिया जो टू एंटरप्रेन्योरशिप का, इसमें भी आपको दो कोर्स दो सब्जेक्ट हैं। इसी तरह एरिया थर्ड में 14, एरिया फोर्थ में थर्ड, एरिया फिफ्थ में आपका 15 है, एरिया सिक्स में आपको 12 है, एरिया सेवन में आपका 7 है 15 है, एरिया एट में आपका टोटल 5 सब्जेक्ट हैं जिनमें से आपको ये पढ़ने को मिलेंगे। अब यहाँ पर सिलेक्शन किस तरह से आपका इलेक्टिव कोर्स का होगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ड्यूरिंग जो आपका थर्ड सेमेस्टर होगा किस इस प्रोग्राम का, इसमें जो पेपर कंपलसरी पेपर्स हैं वो आपको तो देने ही है, साथ में यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट हर एक कोर्स के लिए चूज करना होगा, हर एक सेमेस्टर में चूज करने होंगे, तो वो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसी तरह से यहाँ पर आपको क्रेडिट मीन्स ये आपके जो कुछ टेबल दिया गया है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो सेमेस्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और टोटल क्रेडिट पॉइंट्स दिए गए, नंबर ऑफ पेपर्स दिए रहेंगे, इनके आगे आपको क्रेडिट दिए गए। तो ये दोस्तों अभी इतना काम का नहीं है, क्योंकि दोस्तों अभी केवल यहाँ पे आपका जो मेन फोकस है वो है सिलेबस, और आपका जो सिलेबस रहेगा और यहाँ पे आपका एडमिशन क्राइटेरिया और सिलेक्शन मोड रहेगा। जब दोस्तों आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो दोस्तों उस टाइम इसके बारे में बात कर लेंगे कि आपको कितने ग्रेड दिए जाएंगे, इस ग्रेड का मतलब क्या है, तो यहाँ पे आप देख लेंगे। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि पासिंग क्राइटेरिया क्या रखा गया है, ये बताया गया है कि दोस्तों द मिनिमम मार्क्स फॉर पासिंग द एग्जामिनेशन फॉर ईच सेमेस्टर, अगर आपको हर एक सेमेस्टर में पास होना है तो इसमें जो एग्रीगेट परसेंट है वो 45% होने चाहिए, और मिनिमम जो मार्क्स हैं सेमेस्टर एंड एग्जामिनेशन ईच थ्योरी पेपर 40% एंड इंटरनल असाइनमेंट फॉर द ईच पेपर, कि अगर आप थ्योरी एग्जाम देते हैं थ्योरी पेपर देते हैं उसमें 40% और यहाँ पे आपका जो असेसमेंट होगा उसमें 40% चाहिए होंगे किसी भी नेक्स्ट ईयर में प्रमोशन के लिए। अब यहाँ पे प्रमोशन क्राइटेरिया क्या बताया गया है कि सेकंड ईयर में जाने के लिए थर्ड सेमेस्टर में जाने के लिए दोस्तों स्टूडेंट मस्ट क्लियर सक्सेसफुली एटलीस्ट 12 पेपर्स आउट ऑफ 16 पेपर्स, आपके दोस्तों टोटल 16 पेपर्स होंगे जिनमें से आपको 12 पेपर क्लियर किए होने चाहिए, अगर आप किसी 4 पेपर में फेल होते हैं या ईआर बैक आती है तभी दोस्तों आपको नेक्स्ट ईयर प्रमोट कर दिया जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों एक ग्रेडिंग के बारे में बात की गई कि ए प्लस ए नेगेटिव का मतलब क्या है, डिवीजन के बारे में बात करें तो दोस्तों अगर आपके 60% या 60% से ज़्यादा आते हैं तो आपको फर्स्ट डिवीज़न है, 50 या 60 के तक आते हैं तो सेकेंड डिवीज़न है, अदर जो परसेंटेज होगी उनके लिए थर्ड डिवीज़न हो गया। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं कि अगर आप MBA का कोर्स करना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन में दोस्तों कम से कम आपके 50 मार्क्स परसेंट तो होने ही चाहिए। सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा दोस्तों, आपका मेरिट बेस के थ्रू एडमिशन होगा। कैटेगरी वन में दोस्तों ये बताया गया है कि जो 80% वेटेज रहेगी वो ग्रेजुएशन के मार्क्स पर दी जाएगी, और यहाँ पर 20% जो वेटेज रहेगी। अब यहाँ पर दोस्तों ऐसे भी कुछ क्राइटेरिया रखे गए हैं एडमिशन के लिए, अगर आपके पास किसी भी वर्क एक्सपीरियंस चाहे वो 4 ईयर का हो, 3 ईयर का हो, 2 ईयर का हो या 1 ईयर का हो, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 0 वेटेज रखी गई है 1 ईयर के, जो 1 साल से कम के एक्सपीरियंस होंगे उनके लिए यहाँ पे 0% वेटेज रखी गई है। कैटेगरी 2 में दोस्तों ये बताया गया है कि MBBS हो गया, BDS हो गया, MDS हो गया, उनकी डिग्री के यहाँ पे कैटेगरी 4, कैटेगरी 5, ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा। एडमिशन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो आपका जो सारा एडमिशन प्रोसीजर ये ऑनलाइन होगा, और यहाँ पे आपकी जो फीस रहेगी टोटल फीस रहेगी दोस्तों ये 47,500 रहने वाली है MBA कोर्स की। अब यहाँ पे इसको सेपरेट करके बताया गया है कि टोटल 47,500 कैसे आया, जैसे अगर आप ट्यूशन फीस लेते हैं तो 10,000 हो गया, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट वेलफेयर फंड हो गया 100 रुपये हो गया, कॉलेज स्टूडेंट वेलफेयर फंड 100 रुपये हो गया, यूनिवर्सिटी डेवलपमेंट फंड 900 हो गया, कॉलेज डेवलपमेंट फंड 300 हो गया, यूनिवर्सिटी फैसिलिटी एंड सर्विसेज चार्जेस आपके 4,000 हो गए, 32,000 दोस्तों आपके क्या कॉलेज फैसिलिटीज एंड सर्विसेज चार्जेस 32,000 है टोटल। और यहाँ पे दोस्तों आपका जो एग्जामिनेशन फीस रहेगा ये आपसे अलग से चार्ज किया जाने वाला है। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो दोस्तों यहाँ पे रिसेंट में जो आपने फोटो सिग्नेचर वो होनी चाहिए, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी होनी चाहिए 10th क्लास के, 12th क्लास के, ग्रेजुएशन के सारी मार्कशीट होनी चाहिए, और अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। इसी तरह से दोस्तों यहाँ पे आपको क्राइटेरिया वाइज बताया गया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, और यहाँ पे नीचे आपको अलग से इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब यहाँ पे दोस्तों ये बताया गया है कि द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट रिस्पेक्टेड एग्जीक्यूटिव प्रोफेसर द स्कूल, अगर दोस्तों इसमें कोई आपके डॉक्यूमेंट में गड़बड़ पाई जाती है तो आपको ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। अब यहाँ पे ये बताया गया है कि आपका जो SOL कैंपस ये कब तक ओपन रहता है, सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5:30 बजे तक, कब तक दोस्तों मंडे टू फ्राइडे, और सैटरडे एंड संडे वीकेंड आपका हॉलीडे रहता है, छुट्टी रहती है, और हॉलीडे के दिन तो आपकी छुट्टी ही रहेगी। अब यहाँ पे ये बताया गया है किस तरह से आपको अपने जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है उसके बारे में बताया गया,
हैं, बुक बैंक क्या होता है, आइडेंटिफाई कार्ड क्या होता है, स्टूडेंट काउंसलिंग फैसिलिटीज़ भी दोस्तों यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जाएगी, एकेडमिक काउंसलिंग भी प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करने का पूरा प्रोसेस बताया गया है कि जैसे दोस्तों आप एसओएल के ऑफिशियल साइट पर आते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको अपना एसओएल का जो एमबीए कोर्स का जो लिंक था उसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपको न्यू रजिस्ट्रेशन क्लिक कर देना है। इसके ऊपर क्लिक कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी बेसिक से डिटेल फिल करनी होगी, जिसमें दोस्तों आपका नेम हो गया, ईमेल आईडी हो गया, फ़ोन नंबर हो गया। उनको फिल कर देने के बाद दोस्तों आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना होगा जो टोटल 8 कैरेक्टर का होगा। उसको क्रिएट करने लेने के बाद दोस्तों आपको रजिस्टर वाले लिंक के ऊपर क्लिक कर देना है, और क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपका जो अकाउंट होगा वो रजिस्टर कर दिया जाएगा, और जो यहाँ पर आपका यूज़र नेम होगा और जो आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा उसके थ्रू दोस्तों यहाँ पर आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके आपको अपने एग्जामिनेशन जो MBA का फॉर्म होगा उसको फिल कर देना है। नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको वही रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है, तो इसको यहाँ पे आप देख लीजिएगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको रेगुलर वीडियोस शायद इसलिए नहीं मिल पा रही है क्योंकि दोस्तों आपको पता है पेट भरने के लिए कुछ ना कुछ तो काम करना ही पड़ता है, और यहाँ पे दोस्तों जो इन्फॉर्मेशन रहती है ये केवल आपको इसलिए दी जाती है ताकि आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन मिस ना हो सके। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप थोड़ा बहुत बेनिफिट चाहते हैं तो ज़रूर दोस्तों वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट करें तो चैनल को कम से कम सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लीजिएगा ताकि दोस्तों इससे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और यहाँ पर जो भी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है इस चैनल के थ्रू वो कभी आप किसी मिस ना हो सके। तो ये थी इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको MBA एडमिशन के रिगार्डिंग इस वीडियो में। दोस्तों बस इतना ही, अगेन दोबारा कह रहे हैं दोस्तों चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा।